Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Student, today we have to start your next exercise 11.8. Okay? So, चलिए देखते हैं इसको. इस exercise से related जो problem है यहाँ पे हम one by one करके discuss करेंगे. चलिए देखते हैं. Exercise 11.8. चलिए हो गया. एक्सरसाइज 11.8 की बात करते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर K1 है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. K1 करके दिया गया पॉइंट. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. देखिए इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, बट सारा जो तरीका होता है, जो जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी वे होते हैं, सब मिलजुल कर एक ही होते हैं. वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, वो अलग चीज है. चलिए मैं बताता हूँ. लेट से यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, x+6 = 9. यहाँ पे x+6 = 9 दिया गया कोई इक्वेशन. अब कोई किसी से बोल दिया सॉल्व दिस इक्वेशन. अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, यानी x की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है. ओके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक मेथड होता है. सबसे पहले क्या होते हैं, सिस्टमैटिक मेथड होता है. सिस्टमैटिक मेथड मेथड सिस्टमैटिक मेथड. चलिए सिस्टमैटिक मेथड होता क्या है भाई. सिस्टमैटिक मेथड मीन्स हम यहाँ पे x के लिए सॉल्व करेंगे. किसके लिए, x के लिए. और आप जानते हो उसे क्या बोलते हैं भाई, LHS. और जो दूसरी तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं, RHS. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. ठीक है, इतनी yes, sir. वैल्यू फाइंड करनी तो बेटा क्या करेंगे, इसमें हमें इस एक्स को फ्री करना है, यहाँ से 6 हटाना है. तो 6 हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ +6 है तो दोनों तरफ हम -6 करेंगे. क्या करेंगे, जो भी करेंगे सिस्टमैटिक मेथड में दोनों तरफ करेंगे, LHS और RHS दोनों में हम दोनों तरफ -6 करेंगे. +6 है तो इसके अपोजिट साइड, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस. यहाँ x+6 में -6 कर दिया. ठीक है, = क्या राइट किया गया था, 9. ये भी ठीक है, 9 राइट कर दिया. अब हम इधर माइनस किए 6, ये -6 किए तो यहाँ भी -6 करेंगे. जो यहाँ सेम प्रोसेस दोनों में होगा, एक में माइनस किया तो दूसरे में माइनस, पहले में प्लस तो दूसरे में भी प्लस करेंगे. आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना. यस चले नेक्स्ट पॉइंट. इसमें इन्होंने कहा x+6 - 6 = 9 - 6, बिकॉज मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड. हमने क्या किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड. 6 फ्रॉम बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, तो आएगा क्या, ये +6 ये -6 कैंसिल. ओके अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका रिमाइंड हो रहा है, यहाँ पे 9 में 6 माइनस हो जाएगा भाई, क्या बचेगा, 3. एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 3. सर 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो 3 है ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा. इसी एक्स की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना था. ओके यस सर. ऐसे जितने भी इसे एक और यस सर एक और कर ले रहे हैं. ठीक है, अभी हमने एक्सरसाइज 11.8 का K1 पॉइंट का ये एज एग्जांपल क्वेश्चन डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड. ठीक है, चलिए हम कोई और एग्जांपल ले ले रहे हैं. लेट से हमारे पास z -9 = 4.
आप क्या करेंगे भाई? जेड माइनस नाइन इज इक्वल टू फोर, ये नंबर दिया गया, इक्वेशन दिया गया था। अब इसमें हम देख पा रहे हैं जो वेरिएबल है वो क्या है, जेड है। वेरिएबल क्या है, जेड है। जेड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो एक चीज आप देख रहे हो, इस जेड को अगर फ्री करना है इंडिविजुअली, यानी इसको सबसे अलग करना है, हम इक्वेशन को सॉल्व करने का जो भी होता है, नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, यानी एक साइड में नंबर रख लेते हैं और एक साइड में वेरिएबल, यानी यहाँ से केवल वेरिएबल रखना है, इस नंबर को हटाना है माइनस नाइन को, तो क्या करेंगे इसमें माइनस नाइन में प्लस नाइन ऐड करेंगे, क्या करेंगे प्लस नाइन है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऑन एडिंग, ऐड करेंगे ऑन एडिंग नाइन टू बोथ साइड, टू बोथ साइड, यानी दोनों तरफ नाइन को ऐड करने पर क्या होगा, ऑन एडिंग नाइन टू बोथ साइड, दोनों तरफ नाइन ही ऐड किया जाएगा, पहले हम जो है उसको ऐड करेंगे, जेड माइनस नाइन था, इसमें प्लस क्या करेंगे नाइन, इज इक्वल टू क्या ऐड करेंगे, यहाँ फोर है, इसमें भी क्या करेंगे प्लस नाइन, इतनी बातें क्लियर। आप क्या करेंगे देखो बेटा, अभी आपका ये माइनस नाइन, ये प्लस नाइन, माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसिल, अब इधर क्या, इधर दोनों ही चीजें प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, जेड इज इक्वल टू, यहाँ जेड रिमेंस हुआ, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा नाइन प्लस फोर थर्टीन, जेड इज इक्वल टू क्या आ गया थर्टीन, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ओके यस सर, यस सर, एनी डाउट, एनी डाउट, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके माय डियर, तो नेक्स्ट पॉइंट, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, तो चलिए हम आप किसके जो रिमेनिंग पॉइंट क्वेश्चन है केवन के, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, yes, अब हम पॉइंट नंबर किसकी बात करेंगे, के टू की, पॉइंट नंबर के टू, सेम एक्सरसाइज 11.8 है, इसमें इन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सेम एज यहाँ भी इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। चलिए इसको, इसके लिए हम कोई और वे बता देते हैं, दो तरीके बताएंगे आपको, होते और भी तरीके हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी होता है, बट यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड बताएंगे, कौन सा, ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड इससे पहले जो बताया गया था वो कौन सा था बेटा, सिस्टमैटिक मेथड था, ट्रांसपोजिंग मेथड, ध्यान रखना आप लोग, इससे पहले जो पॉइंट क्लियर किया गया था वो आपका सिस्टमेटिक मेथड था। चलिए इस क्वेश्चन को कर लो, क्या के टू में दिया गया है एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू टू, बेटा जी एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू टू, इसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं देखो, जब भी आप कोई भी वैल्यू एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो साइन उसका कन्वर्ट होके प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो माइनस होके क्या हो जाएगा भाई प्लस, और प्लस है तो क्या, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड, ये ट्रांसपोजिंग मेथड का रूल होता है, और डिवाइड होता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये चीजें दोनों तरफ अप्लीकेबल है, ऐसे नहीं स्पॉन्टेनियस होती, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है होगा, चाहे आप इधर से इधर लो एलएचएस टू आरएचएस और आरएचएस टू एलएचएस, साइन दोनों तरफ से चेंज होंगे, ठीक है। अब बात आती है हमें अगर इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से थ्रू करना है कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू टू दिया गया है, हम क्या करते हैं इस 20 को यहाँ से हमें रिप्लेस करना है, हटाना है, इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए इस 20 को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो, यहाँ से एक्स रिमेंस होगा इज इक्वल टू आरएचएस में जो राइट किया गया पहले वो राइट कर लेंगे टू, अब ये 20 उधर जाएगा तो इधर प्लस में है, कैसा है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20, प्लस ट्रांसफर तो क्या हो जाएगा माइनस, आप देखोगे कभी एक्स इक्वल टू की बात कर ले तो 20 माइनस टू यानी माइनस 20 है और प्लस का 2 है तो क्या आएगा माइनस 18 आएगा, क्या आएगा माइनस 18, माइनस 18, यस बेटा गुड, माइनस 18 क्या हो जाएगा
सर माइनस 18 क्लोजिंग मेथड था जो अभी पॉइंट डिस्कस किया गया, ये आपका कौन सा मेथड था? ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके चलिए पॉइंट बता दे रहे हैं। यस सर। मान लीजिए आपको कोई दिया ऐसे ही, x माइनस 9 इज इक्वल टू कुछ भी हो एनीथिंग 8, आप क्या करोगे भाई? x माइनस 9 इज इक्वल टू 8 दिया गया है तो आप टेमर सॉल्व करोगे, x राइट करोगे यहाँ पे और ये इज इक्वल टू लगा देंगे। x इक्वल टू पहले आरएचएस में जो चीज है वो लिख ली जाती है, ऐसे 8 है यहाँ पे, 8 कॉपी कर लिया आरएचएस की वैल्यू, ये माइनस 9 ट्रांसफर होगा आरएचएस में तो क्या हो जाएगा प्लस 9, यानी 8 प्लस 9 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, 8 और 9 कितना होता है 17। बात आती है ऐसे, आप कोई भी क्वेश्चन करें आएंगे बेटा तो आप लोग उसको विदाउट एनी हेजिटेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को और कुछ बताना चाहिए इससे रिलेटेड पॉइंट, ठीक है? आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। यस सर, यस सर, यस सर। ये पॉइंट नंबर के 3 की बात कर लेते हैं, सेम है के 3 भी है, के 3 में भी तो वही पॉइंट था, केवल वेरिएबल चेंज हो गया बस। तो वेरिएबल चेंज होने से क्या मतलब, वेरिएबल कुछ भी हो उससे क्या मतलब? लेट्स से यहाँ पे कोई दिया है m प्लस m माइनस 5 इज इक्वल टू बेटा जी माइनस का 3 दिया गया है, ऐसे दिया गया m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? सेम आज m इज इक्वल टू पहले आरएचएस की वैल्यू ऐसे राइट करेंगे माइनस 3 या माइनस 3 राइट करेंगे और ये माइनस 5 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5। ओके आप देखो 5 में 3 ये माइनस प्लस की चीज है, ये माइनस की, तो 5 में 3 जाएगा कितना आएगा 2 आ जाएगा, 5 में 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, m इसको तो क्या आ जाएगा 2। ओके तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा। यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात बेटा, इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से किया गया है, सिस्टमैटिक मेथड से आप करना चाहते हो तो उस तरह भी कर सकते थे, जैसे हम कहते सर m माइनस 5 इसको तो क्या था माइनस 3 था, इसको क्या उस तरह नहीं कर सकते हैं सिस्टमैटिक मेथड की तरह, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे माइनस 5 है तो हम क्या करेंगे इस माइनस 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ प्लस 5 ऐड करेंगे, यानी 5 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, m माइनस 5 प्लस 5 ऐड करेंगे और यहाँ माइनस 3 ऐसे ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 5 प्लस का। आप देखो ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा m इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे, बात तो एक ही है ना। जो आप लोगों को समझ में आ रहा है वो आप ट्राई कीजिएगा, मतलब उसका यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट टेस्ट, आप आपसे भी कहते हैं सर ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे करेंगे। 10 इज इक्वल टू 2 प्लस x, भाई क्या करेंगे इसमें, और 2 प्लस y, x y समथिंग जो भी हो 2 प्लस y, तो आप कैसे करेंगे, आप LHS और RHS में वो ऐसे चाहे सिस्टमेटिक मेथड से कीजिए या ट्रांसपोजिंग मेथड से कीजिए, सब तरह से कर सकते हो। यहाँ प्लस 2 है, इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस 2 करेंगे, यानी 2 10 माइनस 2 यहाँ पे राइट करेंगे और 2 प्लस y पहले राइट करेंगे और इसमें सबसे क्या करना है 2, तो माइनस 2 ऐसे राइट करेंगे। इतने पॉइंट क्लियर, यहाँ पे जो बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? यहाँ माइनस 2, यस सर, यस सर, और यहाँ 10 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 8, और 8 इसको तो किसके चल रहा है y के,
वाइल्ड कोड क्या राइट करेंगे एट, वाइल्ड कोड क्या राइट करेंगे एट, और एट इज टू वाइल्ड, ठीक है। यस सर। प्रिया, प्रिया जो बातें बताई जा रही है आपको समझ आती है? यस सर। अरुण और दीपिका, मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं जा रही है क्या? सर आ रही है। सर स्क्रीन नहीं दिखती। स्क्रीन बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो आई होप मैंने पॉइंट नंबर K1, K2, K3, K4 ये डिस्कस किया है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर S1 की बात करेंगे। कौन सा पॉइंट? S1। ओके यस यस। S1 की बात करेंगे, इसमें क्या दिया गया बेटा जी? x+1/6 = 12। तो ऐसा कुछ भी दिया हो, x+1/6 = क्या दिया गया? 12। अब ये x+1/6 = 12 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? सेम एज ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज कर ले, x = राइट करेंगे 12। ये +6 ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/6, यानी +1/6 ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा RHS में -1/6। बातें इतनी क्लियर? आप इस टाइप के फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आपको बताया गया है कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 72 और माइनस में क्या हो जाएगा 1/6। ये किसके इक्वल चल रहा है? x के, यानी x = हम राइट करेंगे 71/6। बस बहुत चाहते हो तो आप अगर और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में राइट करना तो मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको राइट करेंगे 11 होल, 11 × 66 होता है ना, और बचेगा कितना? 5/6, ये हो जाएगा 11 होल 5/6। ओके माय डियर। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर S1 भी डिस्कस किया गया, चलिए S2 की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल नंबर इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 5। देखो हमें x की वैल्यू क्या फाइंड करना है? 5 लाना है। इन्होंने कहा कि अगर इसका सॉल्यूशन 5 हो तो फिर हमें वहां पे जो सूटेबल वैल्यू फिल करना है, क्या होना चाहिए वो सूटेबल वैल्यू, ये फाइंड करना है। S2 की बात करने जा रहा है। इन्होंने कहा x+(5+)(blank space) दिया है, 5+(blank space)(close) = 35। अब यहां पे हमें ये फाइंड करना है कि हम क्या माइनस कर दें, सॉरी क्या फिल कर दें यहां पे ब्लैंक स्पेस में, कि ये जो x = क्या फॉर x = 5, क्या लाना हमें? 5 दिया गया सॉल्यूशन। अभी दादी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो एक चीज समझो, आप x = 5 है तो ये सॉल्यूशन का मतलब जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x = 5 है, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब देखो मेरी बात, I'm putting x = 5 in LHS. x = 5 in LHS. बेटा LHS means क्या? ये total part. LHS means यही तो, ये total part. इसकी बात कर रहे हैं हम। ये LHS है। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड नहीं करना, हमें x की प्लेस वैल्यू क्या पता नहीं, 5 दिया गया सॉल्यूशन। और हम जानते हैं अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मींस ये होता है कि इक्वेशन में x = 5 पुट करने पे LHS = क्या होना चाहिए? RHS, ठीक है। LHS = क्या होना चाहिए? RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे।
अब देखते हैं भाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 पुट करेंगे प्लस 5 प्लस, इसको हमें नहीं पता लेकिन हमें जानते किसके इक्वल होना चाहिए, 35 के इक्वल होना चाहिए। ऐड करने पे किसके ऐड से कितना 35, यानी टोटल ये ऐड जो है 35 के इक्वल है। अब देखो इसको हम ऐड करेंगे 5 प्लस 5 ब्रैकेट हटा देते कोई दिक्कत नहीं, तो 10 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 35, यानी 10 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 35। तो कोई पूछता भाई 10 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 35 हो जाए, तो आप नहीं समझा रहे तो क्वेश्चन मार्क आते रहने दो। यहाँ पे 35 ये प्लस उधर जाके माइनस 10 यानी इज इक्वल टू क्या आएगा 25, यहां से आंसर क्या आएगा 25। बातें समझ में आई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 25, यानी यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इसमें क्या फिल किया जाएगा इस ब्लैंक पे 25, ब्लैंक पे क्या फिल किया जाएगा 25। बातें समझ में आई? यस सर, यस सर। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपके, तो यहाँ पे आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर कोई पॉइंट कोई वैल्यू इक्वेशन का सलूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करने का मीन्स उसका LHS और RHS बराबर होंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा है 38/9 प्लस एस प्लस 1/8, 38/9 इज इक्वल टू एस प्लस 1/8 इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1/8, ये क्वेश्चन है। अब देखो भाई जो भी दिया गया आप देख लो, यहाँ पे आरएचएस में एक वेरिएबल एक्स एंड सी की वैल्यू फाइंड करना है, अगर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है हमें तो हम क्या करेंगे इस 1/8 को यहाँ से आरएचएस से एलएचएस में ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने से आएगा क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो वैल्यू है वो राइट की जाएगी 38/9, ये प्लस की चीजें इधर आके आ जाएंगी माइनस 1/8 इज इक्वल टू क्या चल रहा है किसके एक्स के, भाई किसके इक्वल चल रहा है एक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहाँ पे आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे एलसीएम, 72 हो जाएगा 9 और 8 का एलसीएम, 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएंगे, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 टू 4 थर्ड कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 3 24 और 6 30 यानी 304 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे 8 से 72 को डिवाइड करेंगे 9 बार जाएंगे और 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 9 9 9, ठीक है। अभी क्या करेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, 304 माइनस 9 इज इक्वल व्हाट, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, आप लोगों को जो बात बताई जा रही है वो समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी क्या है पॉइंट नंबर आपका A1 की बात कर लें, जिसमें दशम ऑफ नंबर एंड दशम ऑफ नंबर एंड 8 इज 25, व्हाट इज द नंबर। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, कभी भी जब भी ऐसा पॉइंट आता है एक नंबर जहां पे हमें ये नहीं पता होता उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी ऐसी बात आती है कि मतलब नंबर की बात की गई है, डायरेक्ट पूछा गया कौन सा वो नंबर है जिसमें 8 को ऐड कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा,
तो आप ऐसे कंडीशन में लेट करेंगे, लेट द नंबर टू बी एक्स, द नंबर सॉरी हो गया, द नंबर बी एक्स, ओके क्या है वो नंबर मान लेते हैं, क्या होगा एक्स होगा, ठीक है। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, भाई कितना वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अगर एक्स इस नंबर में एट को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है 25, यही तो, द नंबर एडेड बाय एट गिव्स 25, ओके। तो हमें इस नंबर को फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 25 प्लस 8 ट्रांसपोज हो जाएगा RHS में, तो माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 गया तो यहां से 20 और फिर 3 जाएगा तो 17। बात क्लियर? यस सर। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, A2 की। यस सर। If we take away 2 from Priya's current age, we get 1. Find her age 10 years from now. बेटा जी करंट जो प्रिया की करंट एज है उसमें से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाता है। तो आज से 10 साल बाद इसकी एज क्या होगी? करेंगे फिर अभी अज्यूम दैट, ऐसा मानते हैं प्रिया का करंट एज, बीच में बोलिए मत प्लीज, प्रिया करंट एज बी एक्स, मान लेते हैं एक्स वाई समथिंग कुछ भी वेरिएबल माना जा सकता है, मान लेते हैं कि प्रिया की करंट एज क्या है एक्स। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर इसमें से प्रिया के एज में से 10 माइनस कर दिया जाए, टेक अवे 10 फ्रॉम प्रिया करंट एज गिव्स 1, क्या आता है 1 आता है, यही तो। यस सर। टू राइट करना है तो 1 प्लस ये माइनस जाके क्या आ जाएगा प्लस 10, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, ये तो प्रिया की करंट एज आई। सो उसमें क्वेश्चन क्या आस्क किया गया, सो प्रिया इज 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आपसे 10 साल बाद उसकी केस कितनी है, जो कि अभी 11 साल की है, तो भाई 10 साल इसमें जुड़ जाएंगे फ्रॉम नाउ। हाँ जितनी बातें कर लो आज ही कर लो फ्रॉम नाउ। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसी में इसकी करंट एज कितनी 11, 11 में 10 और ऐड कर दो, 10 साल बाद और 10 साल बड़ी हो जाएगी, वो 21 साल की हो जाएगी, 21 ईयर कितनी हो जाएगी 21 ईयर। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस सर। अब आपका लास्ट पॉइंट आता है, बात आती है लास्ट पॉइंट की, जिसमें दिया क्या गया 4 रिड्यूस फ्रॉम द पैरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 12, 4 रिड्यूस फ्रॉम द पैरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 12 एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट के वाइज आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी स्क्वायर के पैरामीटर से 4 को रिड्यूस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 12 के इक्वल हो जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर, यानी उस स्क्वायर के साइड का लेंथ फाइंड करना है। मान लेते हैं कोई स्क्वायर है जिसके साइड क्या ए है, तो भाई ए हो जाएगा, तो इसका पैरिमीटर कितना हो जाएगा, पैरिमीटर आप जानते हो पैरिमीटर ऑफ द स्क्वायर
पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फोर इंटू साइड होता, ठीक है, फोर ए हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने कहा प्रश्न के अनुसार इसमें से फोर रिड्यूस कर दिया जाए इसके पैरामीटर से, फोर रिड्यूस करने का मतलब माइनस करेंगे फोर, तो किसके इक्वल हो जाता है, ट्वेल्व के इक्वल हो जाता है। इतनी बात क्लियर, सही है। अब क्या करेंगे, यस सर, फोर ए इक्वल टू राइट करेंगे फोर ट्रांसपोज होगा आरएसएस में, तो ये माइनस होकर वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 12 और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, 16। अब ए की ए इक्वल टू राइट करेंगे 16, ये मल्टीप्लाई में है इधर एलएसएस में, आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा 4 * 4 4 4 * 16 यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 cm यानी साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, यानी उस स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 cm, ठीक है, जिसका पैरामीटर में से 4 सबट्रैक्ट कर दें तो 12 के इक्वल हो जाएगा। जितने स्क्वायर आपके यहाँ पे पॉइंट है सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए गए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। अब बेटा आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन है इनको ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट डे अगर आप लोगों ने सारा क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये स्टार्ट किया जाएगा, ओके। सुनो बेटा, यस सर, यस सर, गुड आफ्टरनून, यस बेटा, तो आज की क्लास ओवर की जा रही है, नेक्स्ट डे मीट करेंगे, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।